Hello and welcome to the CSR Journal presents Brands Impact Safar Kamyabi ka Season 1 in association with Sakarni Plaster aur hamare fashion partner hain Absoluto, the final side of fashion. Koshish kar, hal niklega. Aaj nahi, to kal niklega. Arjun ke teer sa sad, marusthal se bhi jal niklega. Mehnat kar, paudhon ko pani de. Banjar zameen se bhi phal niklega. Taakat juta, himmat ko aag de. Faulaad ka bhi bal niklega. कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान. ब्रांड्स इंपैक्ट की इस खास पेशकश सफर कामयाबी में आपका स्वागत है. कहते हैं कोशिश कीजिए तो हर असंभव संभव है, हर नामुमकिन मुमकिन है और हर मुश्किल आसान है. ऐसी ही कोशिशों को अंजाम दे चुके दिल्ली की एक सामाजिक संस्था शांति रत्न फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इंदरजीत सिंह आज समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं. इंदरजीत उन चंद कामयाब लोगों में शामिल हैं जो नशे की लत की अंधेरी और गंदी गलियों से आजाद होकर आज ड्रग एडिक्ट्स को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं. आपको बता दूं कि उन्होंने दोस्तों के साथ शौकिया तौर पर ड्रग्स लेना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो इसके इस कदर आदि हो गए कि उन्होंने अपने घर में चोरी तक शुरू कर दी, क्लासेस बंक की, यहां तक कि अपने माता पिता का साथ छोड़कर एक अलग ही दुनिया में जाकर वो रहने लग गए जहां अंधकार के सिवा और कुछ भी नहीं था. नौकरी से जो पैसा कमाते थे वो सब कुछ ड्रग्स में उड़ाने लगे. माता पिता की हजार कोशिशों के बावजूद उन पर कोई असर पड़ नहीं रहा था. बात बात पर झगड़ा करना एक आम सी बात बन चुकी थी, लेकिन फिर वो दिन भी आया जब इंदरजीत का जमीर जागा. अपने माता पिता से वो नशे की लत वाली इस भंवर जाल से खुद को बाहर निकालने के लिए मिन्नतें करने लगे. जब उनमें नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए ये छटपटाहट शुरू हुई तब उन्होंने रिहैब सेंटर का दरवाजा खटखटाया. जब ड्रग से पीछा छुड़वाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प किया तब ये बात अपने मन में गांठ बांध ली और मान ली कि हर हाल में उन्हें नशे की बुरी आदत से मुक्त होना है. और तब कहीं जाकर उनकी जो कोशिश थी वो रंग भी लाई और आज वो नशे से आजाद हैं. इंद्रजीत न केवल नशे की लत से दूर हैं बल्कि शांति रत्न फाउंडेशन नामक नशा मुक्त केंद्र के जरिए देश को नशे की लत जैसी बुराई से मुक्ति दिलाने के सपने पर भी काम कर रहे हैं. नशे की लत से बर्बाद हो चुके घर परिवार में खुशियों की रोशनी वो फैला रहे हैं. इंद्रजीत की जिंदगी को नई जिंदगी देने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, जिनमें से सबसे बड़ा योगदान वो अपनी हमसफर रश्मि का मानते हैं. जब इंद्रजीत नशे की लत से जूझ रहे थे तो रश्मि उनको हर हाल में उस लत से बाहर निकालने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी. इंद्रजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर कामयाबी का. तो शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आपके कुछ यादगार लम्हों पर. इंद्रजीत जी, जैसा आप सुना मैंने आपके बारे में कि आपको स्टूडेंट लाइफ में ही नशे की लत लग गई थी और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि कहानी लगभग मिलती जुलती है आपकी अभिनेता संजय दत्त से, तो कैसा वो दौर था, कैसे आप इस दलदल में फंस गए ड्रग्स के, बताइए हमको विस्तार से. मीनाक्षी देखिए, शुरुआत जो मेरी हुई थी वो बहुत ही यंग एज में हुई थी. मैं मेरे ख्याल 6th या 7th स्टैंडर्ड में था तब की बात है और मैं जिस स्कूल में था वहां पर बहुत सारे एनआरआई स्टूडेंट्स और ज्यादातर बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, तो उनको देखकर मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो करते क्या है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देख करके, उनको हमेशा खुश देख करके या इंजॉय करता हुआ देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट होता था. तो एक बार मैंने उनको उनका पीछा किया रिसेस टाइम में, मैंने देखा वो वॉशरूम में जाते हैं और एक सिगार लेते हैं, उसको खाली करके उसके अंदर कुछ भरते हैं और धुआं ही धुआं. तो मुझे लगा यार ये कर क्या रहे हैं. मैंने उन्हें थोड़ा सा डराने के लिए बोला कि मैं जाके कंप्लेंट करूंगा, ये सब चीजें उनको बोली. तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया आगे से,
मतलब जो कि मैं चाहता था पीना, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि ये है क्या चीज़। और यकीन मानिए मैंने वो शायद दो कश लगाए होंगे और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है और मैं इसी के लिए बनाऊँ, है ना। मतलब मैं बता नहीं सकता वो क्या फीलिंग थी। मैं बहुत बहुत मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। दुनिया की कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई की कोई चीज़ें याद नहीं आ रही है, घर वालों की डांटे याद नहीं आ रही हैं, ट्यूशन के कुछ काम याद नहीं आ रहे हैं। तो मतलब आई वॉज लाइक फ्लाइंग इन द एयर। ओके, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली उस ग्रुप में फिट होने के लिए, है ना, जो जो वो लोग करते रहते थे, जो जो नशा वो लेते थे, मैं उनके साथ जुड़ता चला गया, चाहे वो मैं चाहता था या नहीं चाहता था, है ना। और उसके बाद धीरे 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 वो गांजे से बियर पे पहुंचे, बियर से फिर शराब पे पहुंचे, और उसके बाद स्मैक, कोकेन, चरस, गांजा, मतलब सब कुछ एक साथ ही। बाय द टाइम आई रीच नाइन्थ स्टैंडर्ड, है ना, तो मैं उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे के सारे ड्रग्स जितना उस टाइम पे लोग जाना करते थे मैं सब कुछ ले चुका था। मैंने सुना आपकी लव मैरिज हुई है, लेकिन ड्रग एडिक्ट भी थे आप उस टाइम पर? निश्चित तौर पर जब आप कह रहे हैं कि 6th 7th स्टैंडर्ड में ही आपने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, तो ये कैसे संभव हुआ जीवन में? ये उन दिनों की बात है जब मैं बेंगलोर से वापस दिल्ली आ गया था। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मेरी वाइफ जो है रश्मि, वो भी उसी ऑफिस में काम किया करती थी, वहीं उनसे मुलाकात हुई। और वाकया कुछ ऐसा था कि किसी दोस्त ने, या कह लो दो चार लोगों ने शर्त सी लगा दी, काफी फिल्मी लगता है सुनने में, बट हुआ ही ऐसा ही था कि भाई इनको पटाखे दिखा दो, क्योंकि वो थोड़ा लड़कों से अलग रहते थे, है ना। तो मुश्किल हुई, अपने आप को थोड़ा अच्छा बन के दिखाना पड़ा काफी दिनों तक। मतलब वो एक नकाब पहना हुआ था, काफी दिनों तक उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं कोई नशा करता हूँ या नहीं करता हूँ या मैं कैसा हूँ। बस एक ऊपरी परत जो थी मेरी अच्छी वाली इमेज, वो उनको दिखाई दी, और देर सवेर उन्होंने भी हाँ कर दिया। और लगभग 1.5 या 2 साल का रिलेशनशिप था हमारा, जब उनको पता लगा कि मैं ड्रग्स करता हूँ या मैं बहुत ज्यादा नशा करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कई बार होता था कि कुछ ऑफिशियल पार्टीज में हम लोग जाते थे, तो कई बार एक दो पैग शराब पी लिया करते थे, दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन नाउडेज। तो उन्हें ये नहीं पता था लेकिन कि ये इतना ज्यादा नशा करते हैं या कुछ भी है, लेकिन उन्हें पता लगा 1.5-2 साल बाद। काफी बड़ा धक्का सा लगा, पूरी रात रोती रही कि मेरे साथ धोखा सा हो गया। लेकिन सच मानिए तो उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कोशिश की पहले कि नशा छूटे, डांट करके, प्यार से, धमकियां दे करके, लेकिन उसके आगे कुछ दिखता नहीं है नशे के आगे। लेकिन वो कौन सा पहला इंसिडेंट या दिन था जब आपको लगा कि अब बहुत हो गया, नशा नहीं करना है, छोड़ना है? किससे आपने बात की और इसको लेकर? जो मेरा लास्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर था, मैं वहां गया हूं और मैं विड्रॉल में ही था, मेरी दवाइयां चल रही थी। दूसरे दिन मेरी वाइफ मेरे से मिलने आती है वहां पर डिवोर्स पेपर के साथ, एंड शी वाज लाइक बहुत हो गया, है ना। तब मेरे बच्चे हो चुके थे, ट्विंस हैं मेरी, बेटियां हैं दो। तो मेरे ख्याल जब तक वो बच्चे नहीं हुए थे, हाँ जी बहुत ज्यादा, तो शायद जब तक बच्चे नहीं थे तब तक उसको इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थी। उसे लगता था कि वो किसी तरीके से मेरे को ठीक कर लेगी, वो लड़ लेगी, लेकिन उनके बाद इनसिक्योरिटीज आई और वो मेरे सामने था कि भैया मैं आपके साथ और नहीं रह सकती, बहुत हो गया, बहुत साल हो गया, कई कोशिशें कर ली तुमने, कई वादे कर लिए, कई कस्में खा ली। मैंने उस दिन भी यही कोशिश की, उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा तुम्हारी कसम आज के बाद नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी होगा, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी मेरी। और उसने कहा कि आराम से साइन कर देना, नहीं तो मैं नहीं चाहती कि हमारा मुद्दा कोर्ट तक पहुंचे। और ये कहकर वो चली गई। लगभग 1.5-2 घंटे मैं रोया हूं वहां बाथरूम में बंद होकर, क्योंकि ईगो इतनी होती है ना एक एडिक्ट की कि वो दिखाना नहीं चाहता दूसरों को कि मैं कमजोर हूं। हालांकि वहां पर बहुत सारे एडिक्ट थे मेरे साथ जो कि वहां ट्रीटमेंट ले रहे थे। मैं बाथरूम में रोया हूं काफी देर, बाहर निकल के फिर मेरा वही रवैया था, ठीक है ना, जाएगी तो जाएगी, देखा जाएगा। और दूसरी चीज ये थी कि
मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये तो जानती थी। हाँ जी, लेकिन जब मैं वहां से इलाज लेके बाहर निकला, घर पहुंचा तो पता लगा वो है नहीं घर पे, है ना, वो अपने माता पिता के घर जा चुकी थी। और मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो सारे दिन जो होते हैं ना, मेरे जितने भी दिन थे, मतलब अच्छे थे बुरे थे, मैंने सारा कुछ उसके साथ शेयर किया हुआ था। उसने कई दिन देखे थे मेरे साथ, है ना, मेरे को तब भी सपोर्ट किया था जब मैंने घर छोड़ दिया था, या मैं दोस्तों के साथ रह रहा था जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। उसने हर जगह मुझे सपोर्ट किया था, और मेरे को ऐसा लगा कि यार अब छोड़ के क्या फायदा, जिसके लिए छोड़ रहा था वही चली गई। फिर मेरे को किसी, मतलब उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से ही नार्कोटिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला था। वो एक ऐसी संस्था है जहां पर जितने भी नशा मुक्त लोग हैं वो वहां पर आके इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं वहां गया, वो डेली शाम को 1.5 घंटे होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरी दुनिया में होती है वो मीटिंग। मैं वहां गया, वहां जाके मैंने देखा कि मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, है ना, कई सारे लोग ये शेयर कर रहे थे कि उनकी भी बीवियां छोड़ के चली गई नशा करने की वजह से, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी का कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो आज के दिन नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, है ना। तो मतलब कुछ भी वर्स्ट हो जाए या बुरा हो जाए तो नशा किसी चीज का इलाज नहीं है। मेरे को वो चीज वहां समझ में आई, मैंने मेहनत की, मैंने उस दिन कसम खा ली कि दोबारा आज के बाद मैं सामान या कोई भी नशा नहीं करूंगा, हाथ में नहीं लूंगा। लगभग 1 साल हो गया जब मेरे को क्लीन, तो मैं माफी मांगने के लिए या कहो कि मनाने के लिए अपने वाइफ के घर पहुंचा, और विद इन 15 to 20 मिनट्स वो मान गई, है ना, और वो मेरे साथ वापस आ गई। और आज हम लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। इट्स बीन लाइक 7 ईयर्स नाउ ऑलमोस्ट कि मैंने पूरी तरीके से नशा छोड़ दिया है। एक अपने आप को उस दलदल में देखना, बड़ी चुनौती के साथ बाहर निकलना, और अब दूसरों को बाहर निकालना, तो ये जो फीलिंग है इसको थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए, और थोड़ा संदेश के तौर पर भी हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि जैसा आप भी जिक्र करें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस लत का शिकार हो रहे हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जब ये ऐसा कुछ मेरे सामने होता है कि मेरे यहाँ पर कोई रिकवरी बर्थडे मनाया जाता है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि जब हमारे यहाँ कोई एडमिट होता है तो वहां से हम उसकी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हम उनका बायोलॉजिकल बर्थडे भूल जाते हैं, या उनको कहते हैं भूल जाइए, या आपका नया जन्म है, आज से हम इस बर्थडे को मनाया करेंगे, तो हम उसको रिकवरी बर्थडे का नाम देते हैं। तो जब भी हमारे सेंटर में या रिहैबिलिटेशन सेंटर में या बाहर कहीं वो बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बता नहीं सकता मैं कितना खुश होता हूँ, कितना डिलाइटेड होता हूँ। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को अपना पहला जन्मदिन भी याद आ जाता है, है ना। और उनके परिवार वालों से मिलना, जब वो पहली बार मेरे पास आते हैं तो एकदम रोते हुए आते हैं, और जब वो देखते हैं उनका बच्चा ठीक हो गया, मतलब हाथ जोड़ते हैं, कई लोग पैर छूने लगते हैं, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसको देखकर लोग भाग जाया करते थे, है ना, लोग अपने रास्ते बदल लिया करते थे, और आज लोग दुआएं दे रहे हैं, शायद उन्हीं दुआओं की वजह से सारी चीजें सफल होती चली जा रही हैं। तो इससे अच्छा कोई रिटर्न नहीं हो सकता है इंदरजीत जी, सोसाइटी के लिए। तो एक वक्त यहाँ पर हमारे लिए हो रहा है ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इंदरजीत जी से इनकी फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, और इनकी फाउंडेशन से मदद लेकर ड्रग एडिक्शन की बुरी लत से खुद को बाहर निकाल पाने में सफलता प्राप्त कर चुके इनके एक पेशेंट, जो कि अब इनके दोस्त भी हैं, मिस्टर अरुण सिहरा, उनसे भी बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो सफर कामयाबी का में, और हमारे साथ हैं शांति रत्न फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इंदरजीत सिंह, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके ही एक पेशेंट और मित्र अरुण सिहरा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। और आपसे सवाल हमारा अरुण जी ये रहेगा कि क्या एक वक्त आपका भी ऐसा ही था जब आप ड्रग्स के दलदल में बुरी तरह से फंस चुके थे, और अब आप पूरी तरह से उस दलदल से निकल चुके हैं? जी मैम, एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ।
ओके वहाँ पे आजकल हेरोइन जो है बहुत बुरी तरह से फैल गई है. तीन चार घर छोड़ के हर कोई नशा कर रहा वहाँ पे हेरोइन का. तो बहुत सफर कर रहा था इससे, छोड़ना भी चाह रहा था पर नहीं छोड़ पा रहा था. जैसे कि एक्चुअली सर ने बताया, बड़ी ही मेडिसिन ली इस चीज के लिए, बट कुछ नहीं हो पाया. फिर मैंने ब्रदर से अपने से शेयर करी ये बात कि मैं बहुत फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा मैं वीक हो चुका हूँ, तो मुझे कोई सोल्यूशन चाहिए. तो वो मुझे सर के पास लाए वहां पे शांति नगर फाउंडेशन में. वहां पे इनसे मुलाकात हुई मेरी. तो सर के यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया वहां पे. पहले इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन किया मेरा, विड्रॉल भी हुए बहुत गंदे वाले, बुरा हाल हुआ अपना. तो फिर मैंने सर से बोला कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना. तो इन्होंने फिर मेरे को प्यार से समझाया वहां पे कि ये इतनी जल्दी ठीक होने वाली डिजीज नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. तो इनकी बात मानी मैं वहां पे रहा. 20-22 दिन में फिजिकली ठीक हो गया वहां पे. फिर जब भी कभी मेरे को मन में कुछ गलत ख्याल आता था, कुछ थॉट ऐसे आते थे, तो मैं सर से शेयर करता था. तो इन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह मेरे को समझाया और अपने साथ रखा वहां पे. आई मैम, इनकी वजह से पूरे 2.5 साल होने को है रिकवरी में. शांति रत्न फाउंडेशन जो आपने नाम रखा, इसके पीछे कोई कारण है कि आपने शांति रत्न उसका नाम दिया है? हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों आपने जो संस्था अपनी बनाई नशे से मुक्ति को लेकर, उसको ये नाम दिया और किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, कई लोगों का हाथ था मेरे रिकवरी में, मेरे को ठीक करने में, लेकिन मेरे को लगता है सबसे ज्यादा हाथ जो है मेरे माता पिता का है. मेरी माता का नाम है शांति और मेरे पिताजी का नाम है रत्न. तो मुझे लगा कि इन दोनों का नाम जोड़ करके एक संस्था बनाई जाए, ताकि दोनों में से कोई नाराज भी ना हो. दोनों का नाम लेकर के जोड़ करके मैंने संस्था बनाई और उन्हीं का आशीर्वाद है कि बहुत सारे बच्चे ठीक हुए. कितने लगभग, आप अगर थोड़ा काउंट हमको बता पाए कि कितने लोग आए और फिर वो एकदम रिकवरी के साथ गए और ड्रग्स को अब वो ना कहते हैं? 2014 से लेकर अभी तक मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं, लगभग 450-460 तक के पेशेंट आए हैं. जिसमें से लगभग 221 से या 235 की काउंटिंग है जो कि ठीक हो चुके हैं, जो बाहर निकल करके अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अपने जीवन में सफल हैं, एक मतलब समाज के एक स्वीकृत जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य हैं. ओके इंद्रजीत जी, 2014 में आपने ये शांति रत्न फाउंडेशन की शुरुआत की, कहाँ कहाँ पर है आपकी फाउंडेशन जो काम कर रही है लोगों से नशे को मुक्त करवाने के लिए, और आगे क्या प्लान है आपका इस फाउंडेशन को लेकर? देखिए, फिलहाल तो दिल्ली के अंदर हमारी दो ब्रांचेज हैं. एक है मोड़बंद में, मोलड़बंद कहा जाता है उसे, बदरपुर के बहुत नजदीक है, और दूसरी उसी से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे जैतपुर एक जगह पड़ती है, वो गांव है, वहां पर हमारी एक संस्था है. क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नशा फैला हुआ है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, क्राउड बहुत ज्यादा है, बट हम ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हैं. कॉल्स हमारे पास पूरे भारत से आती है. जब आपने फीमेल रिहाब सेंटर की शुरुआत की, तब किस तरह का ओपोजिशन देखने को मिला, उस टाइम पर क्या हुआ? बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अपने ही यूजिंग टाइम से मैं जानता था, क्योंकि मेरे ग्रुप में भी काफी फीमेल्स थी जो कि नशा करती थी, है ना. तो मुझे इस चीज का अंदाजा तो था कि सोसाइटी में जितने मेल्स नशा कर रहे हैं उतने ही फीमेल्स भी कर रही हैं, बट लोग आगे आते नहीं हैं, उनके लिए एक सोशल स्टिग्मा है, है ना, लोगों के अंदर की बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे. वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसकी वजह से लोग आगे नहीं आते थे. तो मैंने एक फीमेल रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की. पहला पेशेंट जो मेरे पास आई थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एनोनिमिटी का प्रोग्राम है, तो नोएडा से थी वो, अल्कोहलिक थी. वो मेरा पहला केस था. अब मेरे को परेशानी ये आ रही थी कि मेरे रिहैबिलिटेशन सेंटर में सिर्फ मेल्स थे, है ना, तो मैं उनको रखूं कहाँ, है ना. मेरे पास ऐसे ही रैंडम इंक्वायरी आई फोन पे, और मुझे बोला गया कि एक फीमेल है, एज 32 है. तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, मदद करते हैं. तो जो मेरा मैंने अपने लिए जिस कमरे में मैं खुद सोया करता था, मैंने वो कमरा पूरा खाली करवाया, उसमें उनको ठहराया. अगले ही दिन
एक मैंने फीमेल इंचार्ज मतलब एक वार्ड इंचार्ज हायर की क्योंकि हाँ जी नॉर्म्स और वो हो सकता है काफी चीजें वो मेरे से नहीं शेयर करेगी राइट है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी फीमेल से शेयर करने के लिए, उनको हायर किया और जितनी भी उनकी तकलीफ थी मेडिकेशन के लिए डॉक्टर्स हैं साइकेट्रिस्ट हैं वो सारे हैं, काफी सारी चीजें थी, फिर वो आसानी से ओपन अप नहीं हो रही थी, विड्रॉल्स था, शोर मचा रही थी, मतलब अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही थी, तो काफी मुश्किल हो गया था मेरे लिए उस टाइम पे। तो जैसे तैसे करके वो 15 दिन बीते और उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम काउंसिल किया, जब फर्स्ट काउंसलिंग की तो उनको अपने बारे में बताया, अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत उनको बताई, तो उनको समझ में आया कि ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, है ना। तो आज का दिन है और वो दिन था, वो मेरी पहली फीमेल पेशेंट थी और वो अभी तक रिकवर है, इट्स बीन मोर देन 3.5 ईयर्स नाउ। वो मैंने पूरा का पूरा फीमेल स्टाफ बनाया, एक वार्ड इंचार्ज, नर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पूरा फीमेल की एक टीम बनाई और मेल्स की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई, अलग फ्लोर बन गया उनका, अब उनके लिए अलग रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहीं बदरपुर में ही, मोरबंद में ही, जैतपुर से काफी नजदीक है वो भी, और अब मेरे ख्याल लगभग 50 से ज्यादा फीमेल पेशेंट्स हैं जो वहां से ठीक हो चुकी हैं। ओके तो सर, आपकी वेबसाइट खोली तो पहला वाक्य जो पढ़ने को मिला वो था द बेस्ट वे टू क्विट इज टू नेवर स्टार्ट। तो जो युवा हैं या जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जो इस नशे की लत में फंस रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? रिकवरी तो देखिए कई बार बहुत ज्यादा फंस जाए तो फिर रिहैब सेंटर्स और ये सब हैं, लेकिन किसी ने अगर शुरुआत की है या क्योंकि वो समझ रहा है कि हाँ ठीक नहीं है, तो उनको क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? ये जो लाइन आपने अभी बोली ये खुद ही इस चीज का जवाब देता है क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने जिया है और मेरे जैसे कई कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि एक बार स्टार्ट हो जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जितना इससे दूर रहें उतना अच्छा है। दूसरी चीज कि समाज में लोग इसे एक लत की तरह, एक आदत की तरह, एक बुरी चीज की तरह याद करते हैं या लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज। जिस तरीके से किसी को टीबी है तो उसका वजन कम होगा, उसको खून की उल्टियां आएंगी, उसको रात को बुखार होगा, भूख लगना कम, ये सारे सिम्टम्स हैं उसके। उसी तरीके से अगर कोई नशे के गिरफ्त में आता है तो उसके भी, उस बीमारी के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि तीन कैटेगरीज में इसको हमने बांटा हुआ है। पहला होता है फिजिकल क्रेविंग, या आप कह लीजिए शारीरिक भूख, है ना। जिस तरह आम आदमी को रोटी की भूख लगती है उसी तरह एक एडिक्ट को नशे की भूख लगती है ना। हो सकता है, ये जो स्टडी है वो ये कहती है, हो सकता है कि सारा दिन इंसान बिता ले आसानी से, बट शाम को 4-5 बजे के बाद उसको बेचैनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि जहां नशा मिलने वाला है वो जगह बंद होने वाली है, है ना। तो वो अपने जुगाड़ के लिए इससे पहले वो जगह खत्म हो जाए वो पहुंच जाए, इसलिए बेचैनी दुगनी हो जाती है। दूसरी चीज जो हम इसको कहते हैं मेंटल ऑब्सेशन, यानी मानसिक खिंचाव, वो खिंचाव इतना जबरदस्त है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक एडिक्ट का कि उसे वो दिन याद है जब उसे बहुत मजा आया था, है ना, और उसी यूफोरिया के चक्कर में वो बार बार लगातार नशा करता है कि वो मजा दोबारा आया, एंड बिलीव यू मी वो मजा जो पहली बार पिया था वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं आता। तीसरी चीज जो होती है जो कि सबसे खतरनाक है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, यानी आध्यात्मिक शून्यता। आध्यात्मिक तौर से इंसान बिल्कुल डेड हो जाता है। आध्यात्मिकता का मतलब कोई पूजा पाठ या भगवान के बारे में, धार्मिक और आध्यात्मिक में यही फर्क है कि अपने आप से कैसा रिश्ता है मेरा, है ना। रिश्तों के बारे में बात करते हैं, अपने से, दूसरे से, ईश्वर से, माँ बाप से रिश्ता कैसा है। उस टाइम पे ऐसा हो जाता है इंसान की उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसके सब्सटेंस के साथ होता है। उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, झूठ बोलता है, चोरियां करता है, गाली गलौज करता है, तोड़फोड़ करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो जब ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें देन डोंट हेट द एडिक्ट, हेट द एडिक्शन, मेरा बस यही कहना है। ओके,
बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी, और आपने समाज के गंभीर बुराई नशे की लत से बचने के संबंध में बहुत सारी बातें की हैं, और बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आप खुद इसके भोगी रह चुके हैं, और नशे की लत से किस तरह इंसान की जिंदगी और उसका परिवार तबाह होने के कगार पर आ जाता है, इसका आप जीता जागता उदाहरण भी है। उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से हमारे देश के कम से कम कुछ नौजवान तो इस नशे की लत के दलदल में फंसने से अपने आप को बचाएंगे ही, और साथ ही जो लोग इस जानलेवा रोग के शिकार हो चुके हैं उनमें भी इससे मुक्ति पाने की उम्मीद जागेगी, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उनका हौसला और भी बुलंद होगा। अक्सर कहा जाता है कि एक बार जो लत लगती है वो छूटती नहीं है, लेकिन इंद्रजीत ने साबित किया, उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आप मन बना लें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इंद्रजीत सिंह जी, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी बातें की हमसे और हमारे दर्शकों को भी, हम उम्मीद करते हैं कि उसका बहुत फायदा मिलेगा अगर जो लोग इसके शिकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी कहानी साझा करने के लिए। इंद्रजीत जी, हमारी प्रथा है कि हम अपने हर गेस्ट को कामयाबी का ये मोमेंटो देकर विदा करते हैं, तो छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से आपके। तो अगर आपकी भी एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है, तो आप हमें लिख भेजिए info@safarkamyabika.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9599506639। अगर आपकी कहानी वाकई प्रेरणा स्रोत है तो हम आपको अपने शो पर जरूर बुलाएंगे। दोस्तों, आपसे फिर से मुलाकात होगी इस शो पर अगले एपिसोड में, जिसका नाम है द सीएसआर जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबिका इन एसोसिएशन विद सकर्णी प्लास्टर, और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूटो द फाइनर साइड फैशन। तब तक के लिए मैं मीनाक्षी शोरान इस शेर के साथ आपसे अनुमति चाहूंगी। चलो मुस्कुराते हैं, चलो मुस्कुराते हैं, कुछ ख्वाब सजाते हैं, हौसलों के पंख लगाकर आसमान का चक्कर लगाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।